नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी की यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रुबीला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आपके सपनों के दिन बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। आज आपके 9 जून हो चुकी हैं और इस 9 जून की बात करें तो 23 जून आपके सपनों का दिन है, जिसको आपने कई सालों से देखा है, यानी वो पूरा होने वाला है, राइट। सबसे पहले एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस और सर घूम रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब तो एग्जाम से पहले सबके साथ होता है। एक भी ऐसा पर्सन है जो कहेगा मुझे सब आता है, सिवाय उसके जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ने वाला सबके साथ होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम सीरियस नहीं हो पाएंगे, राइट। आइए थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। देखो बेटा, 3 साल में जो नहीं कर पाए वो 10 दिन में कैसे करेंगे, पॉसिबल है नहीं ना। रिविज़न करो। देखो आपने बहुत अच्छी तैयारी करके आपको सब कुछ आता है, आप एक बार रिलैक्स हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। आइए कुछ बातों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर वन, अब आपके पास समय कम है, सबसे पहला आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ये स्लीप, ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जितना पढ़ना था पढ़ लिया। मेरे कई स्टूडेंट हैं, मेरी बात होती है, वो बताते हैं वो 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं, मुश्किल से 4 घंटे सो पा रहे, 5 घंटे। बेटा बीमार हो गए इस भयंकर गर्मी में और जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आप हॉस्पिटल एडमिट हो गए, तो फिर कैसे सपने पूरे करोगे। तो आज से पहला डिसीजन, आपको कंप्लीट नींद लेनी है। रोज़ 8 घंटे सोने होते हैं जनरल हमारी एज वाले लोगों को, तो अब आपको 9 घंटे सोना है। नहीं आती नींद, किसी को भी नहीं आती नींद, है ऐसी चीज़ आती ही नहीं है, फिर कैसे ले। इंटरप्रिटेशन लेके बैठ जाओ, खुद से आ जाएगी आपको बस। तो आपकी नींद की गोली, आपका इंटरप्रिटेशन लेके बैठो, नींद आ जाएगी। पूरे 9 घंटे नींद लेके उठो, वो इंटरप्रिटेशन भी समझ में आने लग जाएगा। तो पहला काम आपको अपना नींद लेना है। दूसरा काम, खाना पीना, खाना पीना ये ज़रूरी है, जो नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे हैं जो हाउसवाइफ हैं, बच्चों को भी संभाल रहे, घर भी संभाल रहे, पढ़ाई भी कर रहे। बहुत सारे जो जॉब कर रहे हैं साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो सिर्फ स्टूडेंट हैं। 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तीनों की इक्वालिटी इक्वल नहीं हो सकती, तीनों का रिविज़न इक्वल नहीं हो सकता। स्टूडेंट डर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। हाउसवाइफ सोचे मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, मैं कैसे पढ़ूँ। और नौकरी वाला सोचता है मैं नौकरी करके रिविज़न कैसे करूँ, और तीनों ही डर रहे, पता नहीं सिलेक्शन किसका होगा, फिर तीनों ही डर है। तो खाना पीने पर पूरा फोकस करें, स्पेशली पानी पिए, जितना ठंडी चीज़ें पी सकते हैं वो पिए, ताकि आपका तबीयत ठीक रहे, और तबीयत ठीक होगा तो अच्छा रिविज़न कर पाएंगे, राइट। नंबर तीसरा, अब समय है बैलेंस स्टडी करने का। अब बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक समय में CRPC के 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब समय है 300 क्वेश्चन सॉल्व करने का। यानी जब आपने मेजर के 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब समय सिर्फ 300 का करने का है, अब उसे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कर लिए जितना करना था। अब फोकस होना चाहिए बैरेक्ट, बैरेक्ट और बैरेक्ट, बैरेक्ट को फोकस करो और एक मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। इसी कड़ी में हम कुछ लेके आए आपके पास, इसी कड़ी में हमने भी कुछ तैयार किया आप लोगों के लिए, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। वो आपका डिस्कशन पार है, वो आपका डिस्कशन पार है, ठीक है। आइए बताते हैं आपको कुछ। ये देखिए, हम CRPC 1973 के टॉप 300 क्वेश्चन लेके आए, ई बुक बनाई मैंने इसकी, क्योंकि अभी पब्लिश करने जितना समय नहीं था, पब्लिश होती तो आप तक पहुंच नहीं पाती। ये 300 क्वेश्चन मैंने बहुत सोच समझ के ध्यान से बनाए हैं, कि अब आपके पास समय इतना ही है, आप इन 300 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो जो है उसको ऐड कर दिया है, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इनको मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, ताकि 3000 का टेंशन खत्म। ये ई बुक है जो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के ऐप से आप ले सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, 300, क्योंकि CRPC से बहुत लेंथी है, इसका रिवीजन नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ बैरक को पढ़ना है, ताकि 300 क्वेश्चन के साथ आप बैरक को अच्छे से कर पाएंगे। और मेन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं घुमा करके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन में, सब मैंने डाल रखे हैं। तो क्विक रिवीजन, आपका 6 घंटे में आपका CRPC कंप्लीट हो सकता है। क्या कहा मैंने,
छः घंटे में आप सीआरपीसी को कंप्लीट कर सकते हैं, क्विक रिवीजन। इसी तरह हमने सीपीसी बनाया है, इसी तरह हमने इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया, आईपीसी बनाया, वो धीरे धीरे सारे के सारे अपलोड होते जाएंगे। इफ़ यू कंफर्टेबल देन यू आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, आप अपने लैपटॉप में देख सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, आप अपने आईपैड पे देख सकते हैं, लेकिन हाँ ये डाउनलोड नहीं होगा, स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, ये ई बुक है, आपको फ़ोन में पढ़ना होगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है कि कैसे आप शॉर्ट तरीके में आप कर सकते हैं, क्योंकि आप 3000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अभी आपका फोकस होना चाहिए, जितने भी आपके पास बैरेक्ट हैं, आपके 15, 16, 18 सब्जेक्ट है, एक इंटरप्रिटेशन छोड़ दो 17 सब्जेक्ट है, वो 17 सब्जेक्ट आपकी टेबल पे होने चाहिए। मॉर्निंग में उठते सबसे पहले आपका काम है उन सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स देखना, ताकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और दूसरा उसको कंप्लीट करते जाओ। आप क्वेश्चन जितने हो कम उतना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा कि अब हमें बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है, अब हमें बहुत डिटेल नहीं पढ़नी है, अब हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे बैलेंस स्टडी है, ठीक है। नंबर 4, आप में से कहीं ऐसे बच्चे हैं जो एक रात में पढ़ के LLB पास किया होते ना, मैंने सुना है कई लोगों से, ऐसा कुछ नहीं हो सकता का जुडिशी के लिए कि एक रात में पढ़ के कुछ कर सके, क्योंकि हमने तो LLB की पढ़ाई एक रात में पढ़ के की। उसके लिए भी सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ने एक एफर्ट किए हैं, वो एफर्ट भी मैं आपको बताती हूँ, जिसमें आप बिल्कुल एक रात में भी अपना रिविज़न कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे हाथ में दो बुक गाइड देख पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में बनाई हमने, इसके अंदर 11 माइनर एक्ट को हमने कवर किया है, 11 माइनर एक्ट। बिल्कुल आप चाहें तो बिल्कुल 24 आवर में इस एक रात 12 घंटे, तो दो रात लेनी पड़ेगी, एक रात से तो नहीं होगा, 11 सब्जेक्ट है ना, पूरे 24 घंटे में आप अपने 11 माइनर एक्ट रिवाइज कर सकते हैं। आप करना क्या है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट उठाए, जैसे NI एक्ट, हाँ NI एक्ट राजस्थान जुडिशरी में एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 17, ओके, एक ही चैप्टर पढ़ना है। आप क्या करेंगे, इसका जैसे आपने NI एक्ट निकाला, इसके NI एक्ट में हमने कोई केसेस भी डाले हैं, ये लगभग 46 क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने। आप क्या करें, इसको खोल के अपने साथ रख लीजिए, साथ में बैरक ले लीजिए, और पहले बैरक को पढ़ लीजिए फटाफट सर से नजर, कितने टाइम से आप पढ़ रहे हो उसको देख लीजिए, देख के क्वेश्चन लगा लीजिए और देख लीजिए, जहाँ गलती हो रही है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन अभी भी मेरे गलत हुआ, अभी फिर क्वेश्चन गलत हुआ, हाथों हाथ एक पेपर पर लिख दीजिए, इसका ये आंसर है जो मेरा गलत हुआ, ये लिए जहाँ जहाँ गलती है उस पेपर को बना लीजिए, और अगले 5 डेज तक जितने मतलब पूरी 11 की जहाँ जहाँ गलती हुई उसको एक रजिस्टर बना लिया, जो आपके मोस्ट ऑफ टाइम मिस्टेक होती रहती है, आपसे भूल जाते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, या एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, तो उसका रजिस्टर बना लीजिए, फिर अगले 5 डेज तक सुबह उठते सबसे पहले उसको रिवाइज कीजिए, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक 24 घंटे में 24 घंटे में तैयारी के लिए 11 एक माइनर है, ठीक है। अब आता आपके पास तीसरा, तो हो गया एक रात की स्टडी भी हमारे पास तैयार है, यस 24 घंटे में, ठीक है, कर सकते हैं। अब आता आपके पास नंबर 5वां, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए भी हमारे पास एक आइडिया है। हमने हिंदी इंग्लिश के लिए इतने दिन तो हम 20 पेपर दे रहे थे, अब हमने उन 20 पेपर को भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया कि भाई अब इतना समय नहीं है, बच्चे 20 पेपर कैसे करेंगे, तो हमने उन 20 पेपरों को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, और शॉर्ट करके हम आगे सिर्फ 5 पेपर पर, शायद मैं वो अपलोड नहीं कर पाई इसके अंदर, अभी हिंदी इंग्लिश के मैंने ना 5 पेपर बना दिए, बिल्कुल 5 पेपर ओनली, जिसके अंदर एक पैम्पलेट होगा, मेरे स्टेटस पे लगा हुआ होगा। उसमें हमने क्या किया, एक अलग टाइप से, क्योंकि मेरे क्लास चल रही थी तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैडम हिंदी इंग्लिश का कोई ऐसा बताओ ना कि जो पढ़ ले बस उसी में से आ जाए, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो बच्चे ने कहा, तो मेरे दिमाग में भी आया, ये देखिए हमने 5 पेपर बनाए, तो बच्चे ने कहा तो मेरे दिमाग में आया चलो कुछ नया करते हैं, तो हमने 5 पेपर बनाए, बिल्कुल ठीक है। उस 5 पेपर में हमने क्या किया, ऐसे डिवाइड कर दिया कि संज्ञा के हम 4 क्वेश्चन डालेंगे, सर्वनाम के हम 4 क्वेश्चन डालेंगे, ऐसे करके सारे टॉपिक के 4, 3, 4, 3, 5, 4 संधि के जैसे 5 डालेंगे, उसको डिवाइड करके बनाया कि भैया एक पेपर में आपको संधि के 5 मिलेंगे, यानी 5 पेपर में आपको 25 क्वेश्चन संधि के मिल रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपको संज्ञा के मिल रहे हैं, तो उसको डिवाइड करके बनाए, जैसे आप पढ़ने बैठो आप आराम से उस पेपर को करो, पेपर करते जाओ साथ में उसकी थ्योरी, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उस बुक्स के उसकी थ्योरी भी कंप्लीट करते जाओ। इस बारे क्या होगा, 5 पेपरों के जरिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को कवर किया मैंने, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाए, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मैक्सिमम 5 है, मिनिमम 2 है, ठीक है, क्योंकि सारे अलग अलग टॉपिक है, आप उनके साथ अपनी थ्योरी को तैयार कर सकते हैं। तो ये लो एक दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म, जैसे आज आपने पूरा एक पेपर किया साथ में अपना उसका थ्योरी पढ़ते गए, दूसरे दिन आपने फिर किया, ऐसे करके 5 टाइम आप अपना रिवाइज कर सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज भी हमारे पास उपलब्ध है। फिर चलते हम आगे, अब आता है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश का क्या करें। देखो बेटा, इंग्लिश में 2 चीज़ें 3 चीज़ें आप नहीं कर सकते, ये अनलिमिटेड है, एंटोनियम सिनोनियम और फ्रेजल वर्ब, ये अनलिमिटेड है, ये लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस का मतलब, एक रात में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ
आप ACOs देख सकते हैं, टेंस देख सकते हैं, मॉडल्स के रूल्स देख सकते हैं, डिटरमिनर देख सकते हैं, आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, आप कंजंक्शन दे सकते हैं, देख सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख सकते हैं। ये आपका एक दिन का काम है, इसको एक दिन कर सकते हैं। तो इन सबको एक दिन कर लीजिए। और ईडियम्स ये भी आप रोज के ना 25-25 पढ़ के 4 दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लगभग 200 समथिंग होते हैं हमारी किताबों, वो कर सकते हैं। बट एंटोनियम, सिनोनियम और फ्रेजल वर्ब के लिए आप समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बेटा ये अनसर्टेन होता है। ये चाह कर भी ये सिर्फ लॉन्ग टर्म काम आता है, जब फाउंडेशन बेच पे हम लॉन्ग टर्म करवाते काम आता है। अब 10 दिन में इस पर समय व्यर्थ करने से अच्छा जो आएगा आप कर लोगे, क्योंकि इतने सालों से आप पढ़ रहे हैं, आप कर लोगे। तो ये आया आपके पास। मेजर एक्ट के भी शॉर्टकट है हमारे पास, माइनर एक्ट का भी शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। ये बुक आपको कैसे मिलेगी? देखिए, ये बुक फिलहाल आपको अलग अलग सब डिस्ट्रिक्ट में मिल रही, जयपुर में मिल रही है आपको, कमल बुक डिपो पे, NG पब्लिकेशन पे, ठीक है, आपको बीकानेर के अंदर भी मिलेगी, गौड़ पब्लिकेशन के पास मिल जाएगी, अजमेर में भी आपको ये बुक मिल जाएगी, अजमेर में आपको ये बुक मिलेगी। दुकान का नाम मैं आपको बता देती हूँ अजमेर के लिए, उदयपुर में भी आपको ये बुक मिल जाएगी राज स्टोर पर, है ना। तो अजमेर आपके पास आ जाता है, अजमेर में भी ये बुक है हमारी, मैं दुकान का नाम ही बता दूं। वैसे आपको पता लॉ बुक कौन सी है, अजमेर जैन पुस्तक भंडार में आपको ये बुक मिल जाएगी, उदयपुर में मिल जाएगी। तो उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर और जोधपुर में हमारे इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, और सेकेंड हैंड बुक डिपो पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अदर देन जो बाहर बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इसका भी हमने हमारे ऐप में ई बुक डाल दी है, हिंदी की भी डाल दी, इंग्लिश की भी डाल दी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। या आप में से किसी को लगता है कि आपको बुक ही चाहिए, ई बुक से नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं, हमें स्पीड पोस्ट के लिए कह सकते हैं, हम आपको 2 दिन में आपके पहुंच जाएगी, कुरियर सर्विस से हम आपको दे सकते हैं, कार्गो सर्विसेज से भी आपको मिल सकती है। हाँ, जब भी आप कोई भी बुक सोल्व करते हैं तो उस पर टाइपिंग एरर होती है, आपको इस बुक में जब भी टाइपिंग एरर लिखे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इससे पहले जो जो टाइपिंग एरर हुई हमने सबको बताया है, ग्रुप बना रखा हमने, उस ग्रुप में हम डालते रहते हैं जहाँ भी मुझे पता चलता है। अभी जिन बच्चों को हम भेज रहे हैं तो हम लोग खुद करेक्शन करके भी दे रहे हैं, तो जिन्होंने भी इस बुक कहीं से भी लिए, कोई भी टाइपिंग एरर लगे आप उसे एक बार कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इतने सारे जब हम क्वेश्चन बना आते हैं तो टाइपिंग एरर हो जाती है, और टाइपिंग एरर आपको पढ़ने से पता भी चल जाती है, तो यही तो बढ़िया है, आपका रिवीजन अच्छा है तो आप टाइपिंग एरर भी पकड़ लेते हैं, राइट। तो पहला क्या, नींद पूरी करें, दूसरा खाना पीना, तीसरा आता बैलेंस स्टडी, चौथा है 24 घंटे में आपको माइनर दे दिया, हिंदी को करना आसान बता दिया, इंग्लिश के लिए आपको एंटोनिम सिनोनिम और फ्रेजल वर्ब छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 6 इंग्लिश। अब आता है मॉक टेस्ट, आइए नंबर 7 पे चलते हैं हम। मॉक टेस्ट नंबर 7 कहता है रोज का अब एक मॉक टेस्ट सोल्व करो, ज्यादा मत करो, एक मॉक टेस्ट कोई भी कर लो, आपके पास जो अवेलेबल है उन्हीं को कर लो। आप चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं, हमारे पास भी मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपने ऑलरेडी कहीं से ले रखी है तो वो भी सही है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि जो यूनिक हमसे खरीदा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां से आपको बढ़िया लगे, जहां आपको ऑथेंटिक लगे आप वहां से ले सकते हैं। हमारे ऐप पर भी आपको टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इसके बारे में जो भी चर्चा करनी है आप उसे कॉल कर सकते हैं, ये भी अवेलेबल है। अब क्या करना है, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए, मुझे कई सारे बच्चे पूछते हैं मॉक टेस्ट में यहाँ कितने नंबर आने चाहिए। देखो बेटा, हमारे मानना है कि यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप OBC के स्टूडेंट हैं, तो जो अभी आप मॉक लगा रहे, चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर से लगा रहे हैं, उनमें यहाँ पर आपका 85+ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके मन में कोई डर नहीं है, कोई है ना खौफ नहीं है, या आप चिल होकर एग्जाम देते हैं, तो यहाँ 85+ आएगा तो आप कट ऑफ के बराबर जाओगे। जो SC और ST कैटेगरी के उनके यहाँ पर हमेशा 70+ आने चाहिए, यदि 70+ यहाँ पर लाते तो वो अपना जो है क्या बोलते हैं प्री क्लियर कर लेंगे। तो ये मॉक का रहता है कि इतना तो आपके आने ही चाहिए, तो आप 10 मॉक दे रहे हैं, 20 दे रहे हैं, तो रोज का एक मॉक निकालिए, अभी से आपके पास जितना समय, रोज का एक मॉक टेस्ट तो आप दीजिए, और जहाँ से गलती हो रही है तुरंत प्रभाव सब चेक कीजिए कि मेरे बैरक में मेरी यहाँ कौन सी गलती हुई, क्योंकि बार बार मॉक लगाने से फायदा होता है। जब मैंने MPADG का एग्जाम देने गई थी मेन का, तो मैंने मेन की काफ़ी प्रिपरेशन की और मैं बड़े खुश थे, मेरा मेरे पेपर बनाने वाले मेरे वर्कर ही होते हैं, उनको मैंने दे दिया भी इनमें से बना दिया करोज, और एज इट इज़ 6 सवाल तो मुझे एज इट इज़ मिल गए मेन के एग्जाम में, मेरे चेक करने वाला कोई नहीं था मेरे पास, क्योंकि हम खूब ढूंढा, गुरु को मिला ही नहीं था, कि अब खुद का गुरु खुद को बनना होता है। तो मैं अपने MP मैन की बात करूँ, मैं अपने एग्जाम देती थी, पेपर मुझे मेरा वर्कर बना के दे देता, फिर मैं वापस बैरक लेके बैठती, चेक करती मैंने क्या गलती की, कितना किया, बिल्कुल मेरा MPADG मैन क्लियर नहीं हुआ, बट अभी मैंने कॉपी मंगाई, देखता है कि मुझे क्या मार्क्स मिले, बट मैं हैप्पी हूँ पेपर लेके, चलो पहली बार MPADG प्री दिया मेरा हो गया और मैं लिखने का मौका मिला। तो प्रैक्टिस खुद से की, देखो कई बार आपको सजेस्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो आप खुद ही अपने गुरु बन के काम कर सकते हैं, हर जरूरी नहीं हर बार किसी के पीछे ही भागना जरूरी है, आप खुद से सब कुछ कर सकते हैं।
अरे आप अकेले आए हो संसार में, जाओगे भी अकेले, तो जब आए अकेले हो, जाना भी अकेले, तो अपने सारे काम अकेले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ कई बार तकलीफ आती है, कोई एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है तो हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बट कहते हैं खुद मरे तो स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे। तो अब ये मॉक टेस्ट सीरीज भी आप हमसे ले सकते हैं, हमारे पास तैयार है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप मॉक टेस्ट ले लेते हैं, आप लोग क्या करते हैं, 10 इसके किए, 10 उसके किए, 10 उसके, अरे भाई जो 10 किए आपने उसको एक बार और करो ना, कम से कम 2 टाइम तो करो, तो पता चले दूसरी बार में जो सही हुए थे वो गलती तो ना हो रही है। इसलिए एक उमर सीट रखे अपने पास, एक मॉक करें, पूरा उमर सीट में करके चेक करें, फिर 2-3 दिन बाद उसको एक बार फिर से करें, कोई नुकसान नहीं होगा, रिविजन नहीं होगा कि पता चले उसी में से 2 सवाल एज इट इज आ गए, तो 2 सवाल का फायदा ही होगा, नुकसान क्या होगा, राइट। तो आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए। अब इसके अलावा एक नई चीज़ जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जो आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट होगा, आपको लगेगा ये तो बड़ा अच्छा मैम ने सिस्टम निकाला है, एक नई चीज़ मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर, और वो चीज़ ये है कि मैंने एक छोटा सा टेस्ट सीरीज निकाला, ये टेस्ट सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है, ये टेस्ट सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका ऑब्जेक्ट क्या, वो मैं ऑब्जेक्ट आपको बता देती हूँ कि किस ऑब्जेक्ट के पर्पज से मैंने इसको निकाला है। देखो मेरे को ये लगता है कि अभी तक आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है ना, अनलिमिटेड कर लिए, पर एग्जाम में तो क्वेश्चन काउंटिंग से आएंगे, थोड़े से आएंगे, तो मैं पता नहीं बैठे बैठे मेरे मन में आया कि कुछ नया दिया जाए बच्चों को ना, तो मेजर एक्ट के रोज के 25 क्वेश्चन हैं और माइनर के 12 क्वेश्चन हैं। जैसे आपने डे 1 CRPC है, आज आपने मुझसे CRPC का पेपर लिया, फीस भी बहुत रीजनेबल है, 200 रुपीज़ ओनली रखी मैंने इसकी, जैसे CRPC का 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आपने इतने टाइम से CRPC पढ़ी, अगर ये 25 में जब 25 आते हैं तो समझ लो आपको पूरी CRPC आती है। तो आपने देखो पहले 3-4 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर मॉक टेस्ट भी किए, फिर मैंने 300 का आपको एक्स्ट्रा एक बम्पर दिया कि टॉप 300 क्वेश्चन है, और ये डेली बेसिस पे, कि जैसे आज आपको CRPC मिला, 25 क्वेश्चन आपने किए, पता चल गया अरे भैया सही नहीं हो रहे, एग्जाम में तो वही 10-12 क्वेश्चन आने, तो मेजर के हमने रखे 15-25 क्वेश्चन और माइनर के हमने रखे 12-12 क्वेश्चन, और हिंदी के 25 और इंग्लिश के 25, एक छोटा सा टेस्ट सीरीज। तो डेली बेसिस पे आपके पास एक पेपर आता है छोटे क्वेश्चन कम क्वेश्चन को लेकर, और पूरे एक्ट को कवर किया, आगे पीछे दाएं बाएं हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, जहाँ से मैंने उठा सकी कि हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन लिया है, उसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, क्योंकि अभी भी समय है। देखो अभी हम बात कर रहे हैं 9 जून हुई है, तो आपके पास नई नई करते भी आप बीमार भी होते हो, कहीं जाना भी होता है, तो भी आपके पास एकदम प्योर 12 दिन है, 12 डेज आपके पास है। इसमें क्या होगा, कुछ पेपर जल्दी बन जाएंगे, पेपर आपको एक साथ, जैसे दिन में 3 पेपर मिल जाएंगे, एक सुबह कर लिए, एक दोपहर में कर लिए, एक शाम को कर लिए, आपके पास 12 डेज हैं। अगर आपको अपनी गलतियाँ पता चलती हैं तो आप उन 12 दिनों में भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे तो छोटे मोटे आपके पास 15 दिन होते हैं, लेकिन अपन मानते हैं कि एग्जाम 23 तारीख को, तो उससे 2 दिन पहले आपको पढ़ाई छोड़नी है, राइट। तो आपके पास इतना समय है कि आप उसको करके पता करो, वो मेरी अभी भी ये गलती हो रही है, मुझे इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे मेरी सेक्शन वाइज गलती हो रही है तो मैं रोज जो है मेरी क्या करूँगी, मैं अपने क्या बोलते हैं इंडेक्स पढ़ूंगी, राइट। चलिए तो ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आप हमसे ले सकते हैं, हमारे ऐप पे जा सूर्यनगर यूनिक्लो क्लासेस के ऐप से भी ले सकते हैं। ये तो हो गई क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, आपको क्या करना है। अब सुनो मेरी बात, सीटें कितनी है, 222, पास कितने लोग होंगे, 222, फॉर्म कितने लोगों ने भरा, लगभग 70,000 लोगों ने, 70,000 में से 10,000 लोग वो हैं जो प्योर स्टडी कर रहे, भयंकर वाले 10,000, यानी आपका कंपटीशन 10,000 लोगों से। अच्छा बेटा बताओ क्या 10 के 10,000 जज बन पाएंगे 222 सीटों में, नहीं बन पाएंगे ना, तो आप यू क्यों सोचते हो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे किसका होगा आपको ही नहीं पता, किसका होगा किसी को भी नहीं पता है। मैंने भी 5 बार मैंने लिख दिया है, 15 में लिखा, 16 में लिखा, 18 में लिखा, 19 में लिखा, 21 में लिखा, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, क्या कर लिया मैंने, क्या नहीं आता, कुछ भी पूछो मैं बता दूंगी, होना नहीं होना ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, आपके मेरे हाथ में सिर्फ एक ही काम है, मेहनत करना, हमें सिर्फ मेहनत करनी है, हमने मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़ूँ, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो, JJAC तो बहुत बोर लगता है, मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं करते, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में देख लिया ऊपर ऊपर से, ठीक है, अरे आप प्रोबेशन पढ़ा था, समझ नहीं आया, इंडिसेंट तो कुछ 10 सेक्शन है, समझ नहीं आते क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वर्क प्लेस थोड़ा बहुत किया नहीं समझ में आ रहा, लिमिटेशन तो बहुत टफ लगता है मुझे, अरे यार CRP से तो मेरी पूरी नहीं हो रही, CPC के थोड़ा ऑर्डर छोड़ देती हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेती हूँ, इतना छोड़ के फिर कैसे सिलेक्शन की उम्मीद करते हो। नई चीज़ें समझ में आती हैं आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, जैसे सबके 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठ के पढ़ती हूँ, तो कोई रात को 11 बजे पढ़ने बैठता है, तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, तो जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो सबसे पहले उसको उठा लो, उसको करो, पर एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, आज किया 2 दिन बाद फिर करो,
मेरी एक थ्योरी है जो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुल होती है। मैंने एक चीज़ नोट की कि आज जो मैंने पढ़ा, मैं 24 आवर वापस पढ़ लेती हूँ तो मुझे एक सप्ताह याद आती है। मैं एक सप्ताह में उसको वापस पढ़ लेती हूँ, मुझे 15 दिन याद आती है। मैं 15 दिन में फिर से उसको रिवाइज़ करती हूँ, मुझे 1 महीना याद आती है। मैं 1 महीने में उसको फिर से रिवाइज़ करती हूँ, मुझे 3 महीने याद आती है। और मैं 3 महीने में वापस रिवाइज़ करती हूँ, मुझे 6 महीने याद रहती है। तो मेरे क्या कुछ पढ़ाने का रूटीन चलता रहता है तो चीज़ें मुझे कंटिन्यू याद रहती है। तो कोई भी चीज़ हो जो सुबह पढ़ी, अगले 24 आवर में उसको रिविज़न करो तो ही वो याद आएगी। आज पढ़ लिया, एक बार देख लिया, नहीं, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको रिवाइज 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 करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जीवन में अगर शॉर्टकट है तो फिर वो बच्चा पागल है जो 3 साल से पढ़ रहा है। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप सोचो मैं 1 महीने में पढ़ाई करके जज बन जाऊँ, ऐसा नहीं। वो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन आपने कॉलेज में कभी कर रखी होगी तो अभी 1 महीना काम आएगा। आप अभी पहली बार उठा रहे हो तो नहीं होगा बेटा, लेकिन हाँ कोशिश करते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तुक्के वाले भी निकल जाते हैं। जब डेस्टिनी कहने जिसके सितारे चमके हुए हो तो कम पढ़ाई में भी जज बन जाते हैं, और जिनके सितारे नहीं चमके हुए हो तो 5 साल में लिखने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये तो है कि मेहनत के साथ डेस्टिनी का रोल है, और डेस्टिनी चाह तो कम पढ़ाई में भी सिलेक्शन, और डेस्टिनी नहीं चाह तो इतनी सारी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड ऑन सब कुछ आपकी डेस्टिनी पर, डेस्टिनी के साथ मेहनत भी होनी चाहिए, और वो आप लोग कर रहे हो। तो एंजाइटी को दूर भगाएं, रिलैक्स हो जाइए, आपके पास 10 दिन है, खुश रह के पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। इन सब में एक चीज़ को इग्नोर करना पड़ेगा, फ़ोन पे बातें करना। और तूने आज कितना पढ़ा? मैंने इतना पढ़ लिया। अच्छा तेरा ये हो गया क्या? मैं आपको पता ही नहीं चलता कि रिविज़न करते हो आप, आधा घंटा फ़ोन पे बात कर लेते हो 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में 1.5 2 2.5 आपकी टेंशन आ जाती है, पूरा दिन खराब कर लेते हैं, और फिर चिड़चिड़ हो जाते हैं, फिर अपना पूरा गुस्सा अपने घर वालों पर निकाल देते हैं। बात किसी और से की, बताया किसी ने कुछ और गुस्सा निकल गया पूरे घर वालों पर। ये सब नहीं करें, ठीक है? तो बस पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चिल कीजिए, कोर्स को कोशिश कीजिए कि अब ज़्यादा लेंदी ना करें, बहुत ज़्यादा डीप में ना पड़े, केस लोज जितने आते उतने ठीक है, जो कर लिए इनफ है, समय व्यर्थ मत कीजिए। अभी आपका पूरा फोकस आपका डायरेक्ट होना चाहिए, अब तक जितना पढ़ा उसी को रिवाइज करो, नया मत ऐड करो। मैं 10 केस वहाँ से पढ़ लूँ, 100 केस में उसके पढ़ लूँ, मैं 80 केस, क्या अब याद आएगा? आप खुद ही तो कई बार अपने मुँह से कहते हो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन काम आती, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। तो फिर आप शॉर्टकट पर समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो? अब अपना पूरा फोकस आपके पास, आपका मटेरियल आपके फोकस करो, अपने मॉक टेस्ट दीजिए, अपना रिवीजन 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 कीजिए। एक बेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान एक ही है, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। दिन में इस तरह से 9 घंटे नींद लेनी है, घर परिवार को समय दीजिए, मम्मी की हेल्प कीजिए किचन के अंदर, थोड़ा खाना बनाने में मदद कीजिए, उनकी उनकी दुआएँ बहुत काम आती हैं। घर में कोई भी काम हो जरूर कीजिए। आप फ़ोन पे बातें करते हो, टाइम वेस्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर मम्मी ने थोड़ा सा कहते दूध लेकर आ जाओ, मम्मी मैं पढ़ रही हूँ तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, उनकी दुआएं लीजिए, माता पिता की दुआएं, बड़े बुजुर्गों की दुआएं। फ़ोन पे 10 मिनट कम बात कर लीजिए ना, अब बात कीजिए, 23 तारीख के बाद बात करेंगे, अभी मत कीजिए। अभी 23 तारीख तक फ़ोन पे बात नहीं करना, 23 तारीख तक सिर्फ घर वालों से बात, और अपनी किताबों से बात, अपने बैरक से बात, अपनी गाइड से बात, अपने क्या बोलते बुक्स के बात, उसके अलावा किसी से बात ही नहीं करनी, अपने फ्रेंड से भी बात नहीं करनी है कि तूने आज कितना पढ़ा, उसको पढ़ने दो, तुम भी पढ़ो उसको भी पढ़ने दो, ना उससे टेंशन लो ना उसको टेंशन दो। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है, अपने घर वालों से बात करनी है, ये 10 दिन ये है, और कोशिश करना 23 तारीख को आपका एग्जाम है, 21 तारीख को लास्ट रिविजन करना, छोड़ देना। इस माइंड को भी पचने का समय देना ना, कुछ लोग लास्ट तक पढ़ देते हैं फिर एग्जाम में सिलेबस चेक करके आते हैं, उसको करो। और एक हाँ, ओमार सीट कोशिश करें कि जो भी मॉक टेस्ट आप दे वो ओमार सीट में दे, ईमानदारी से दे। जब भी मॉक टेस्ट देने बैठे अपने मोबाइल वोबाइल से रूम से बाहर रख दीजिए, पूरे ऑनेस्टी के साथ, माना धड़कने बढ़ेगी, धक धक होगा, सब कुछ होगा, फिर भी देख कर देखिए एक बार, बहुत होता है। मैंने भी जब MPADG का मेन के बार बार पेपर लिखती थी बहुत टेंशन में रहती थी, पर फिर भी देती थी हिम्मत करके, नहीं दूंगी यार मेन में तो दूंगी मैं, सपना तो RJS बनना ही था, अभी तो बनी नहीं, तो सोचा BDG में हाथ अपना लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, और नहीं तो पढ़ा ही रहे, इसलिए पढ़ाते रहेंगे और क्या, कुछ तो करते रहेंगे, फ्री नहीं है, बिजी तो रहना ही है, चाहे नौकरी करके रहना है, चाहे यहाँ रह के रहना है, चाहे DJ बन के करना है, चाहे जुडिशरी करके देना है, बिजी रहना है। तो कोशिश करो कि जब मॉक टेस्ट करने बैठो पूरा एक साथ करो, ऐसा भी नहीं आधा कर लिया देने, पूरा एक साथ करो, और एक साथ उसको चेक करो, और जो गलत हुआ उसको दोबारा चेक करो, मेरा क्यों गलत हुआ है, और फिर आगे अपना करो। और एक दिन में एक ही मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा मत दो, एक प्लान करो मुझे 10 दिन 10, और देना लास्ट 20 तारीख तक मॉक टेस्ट, उसके बाद देना भी नहीं है, ठीक है? तो जो कोर्सेज हमारे पास उनको लेने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, और आप उसको ले सकते हैं। और रिलैक्स, बस अब एक ही आपके पास मूल मंत्र है आपका सिलेक्शन का, रिलैक्स हो जाइए। आप ये सोच के तैयारी मत करो कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा,
अभी तो प्री है बेटा, फिर मेन भी आएगा, फिर इंटरव्यू भी आएगा। आपने सोचा एक मैंने इतनी पढ़ाई की है ऊपर वाले, जो मैंने पढ़ा बस वही एग्ज़ाम है आना, मैं सब कुछ अच्छे से करके आऊँ, मेरे कोई सिली मिस्टेक मत करवाना, मेरी ओमर सीट अच्छे से भरवाना, मेरी तबीयत ठीक रखवाना और मेरा प्री क्लियर करवा देना। बस ये ऊपर वाले से प्रार्थना करो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम दिया। आप सबको ऑल द बेस्ट। और हाँ, जो भी जोधपुर आ रहा है, जिसका सेंटर जोधपुर आ रहा है, जो मुझे यूट्यूब से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, जो मेरे मॉक टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने भी हमसे गाइड खरीदी है, जो भी जिस वे में भी मेरा कहीं से कहीं मेरे स्टूडेंट बना हुआ है या मुझे जानता है, वो जरूर मिल के जाइएगा। आप सबका वेलकम है, आप जरूर आइएगा कोचिंग सेंटर में। जोधपुर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कहाँ होटल में रुकना है, कैसे मैनेज होगा, आप बिल्कुल बकायदा मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस एरिया में क्या है मैं आपको जरूर बता दूंगी। बहुत अच्छा जोधपुर है, अच्छे से आपको होटल मिल जाएगी, अच्छे से धर्मशाला मिल जाएगी, यहाँ पर है ना होटल भी रिजनेबल रेट में आपको मिल जाएगी। जहाँ जहाँ आपके सेंटर हैं वहाँ पे आप सर्च होगी, उसके आसपास आपको होटल्स मिल जाएगी। और ज़्यादा जोधपुर बड़ा भी नहीं है, अगर मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, आपका जो भी सेंटर है मैक्सिमम 12 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा जोधपुर बड़ा नहीं है। तो हर सेंटर आपके रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर के अंदर ही है, 12 किलोमीटर से बाहर कुछ भी नहीं है। तो बहुत आराम से, जैसे सांगरिया आया है किसी का, किसी का मंडोर आया है, किसी का माता का थान आया है ना, किसी का कालकी प्याऊ आया है, सब कुछ नियर बाई है, 10-12 किलोमीटर में सब कुछ समाहित है और सब में इजी वे में आपको अवेलेबल है, व्हीकल आराम से मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। ऑटो मिल जाती है सुबह सुबह, हमारे जाते हुए सब जगह ऑटो ही करके जाना है, ताकि हमें लेट नहीं पहुँचना है वहाँ पर। 1 घंटे पहले एंट्री, कोशिश करना 8:30 सेंटर पर पहुँचो किसी भी हालत में। आप तो कोशिश करना 7 बजे निकल जाना, क्योंकि कई बार ऑटो वाले को भी अगर रास्ता नहीं पता तो ढूंढने में टाइम चला जाए, लेकिन ऑटो इजी वे में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और आप अगर 1 दिन पहले आते हो तो सेंटर भी देखो कि देखो पढ़ाई तो कर ली जितनी करनी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जे लोग के एग्ज़ाम में बहुत बच्चे पीछे रह गए थे, वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, तो ये गलती हमसे नहीं हो कि हम एग्ज़ाम ना दे पाए। 1 दिन पहले देखो पढ़ना छोड़ दो, जब मैं गई थी क्या बोलते छत्तीसगढ़ हायर जुडिशियल एग्ज़ाम में, 1 दिन पहले हमने सेंटर देखा कि भैया सेंटर कहाँ मिला था, कि दूसरे दिन मुझे लेट ना हो। मैं जब MP एग्ज़ाम देने गई थी अपना प्री का, तभी 1 दिन रात को पहले अपना सेंटर देख लिया था, भाई मेरा सेंटर यहाँ है, कल सुबह मुझे पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। मैंने मेन का एग्ज़ाम देने गई थी तब भी देख लिया था, भैया ये मेरा सेंटर है, मुझे यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लगेगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत करें और टाइम पर सेंटर पर नहीं पहुँचे। इसलिए आप ये सोचो कि आपका लास्ट प्रिपरेशन 20 तारीख तक ही करनी है। 21 तारीख से अपना सारा सामान अरेंज करें, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाए, अंगूठिया अंगूठिया ईयरिंग सब खोल के जाओ, राजस्थान में सब कुछ खोल के जाओ। मैं MP एग्ज़ाम देकर आई हूँ, मैं दिल्ली एग्ज़ाम देकर आई हूँ हायर जुडिशियल का, मैं छत्तीसगढ़ दे, कहीं कुछ नहीं देखते हैं, कुछ क्या पहन के आए हो किसी से मतलब नहीं, पर राजस्थान में सब है। तो पहले से सब खुल के जाना, एक सिंपल सा स्लीपर पहन के चले जाना, पजामा टी शर्ट नॉर्मल सब पहन के चले जाना, जिसमें ज़्यादा पॉकेट नहीं हो, ज़्यादा जेबे वेबे नहीं हो आपकी, ये वाले खोल के जाना, ये खोल के जाना, यहाँ 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 जो भी पहना सब खोल के जाना, ये मौली वोली सब हटा के जाना, कोई जिक जिक मत रखना, कोई बिना मतलब का इरिटेशन मत करना, सिंपल स्लीपर पहन के चले जाना, सिंपल कि भैया ले चेक कर ले, कुछ है ही नहीं मेरे पास, ऐसे आपको बन के जाना है, ठीक है। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए, थोड़े से दिन आराम से कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।